ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल त्योहारों का सीजन है और बिलासपुर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर परिषद की टीम ने तहसीलदार जयगोपाल के नेतृत्व में पुलिस बल सहित दुकानदारों का सामान सड़क से हटाया। पुलिस बल सहित सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे इस त्योहार के सीजन में सड़क पर सामान न लगाएं और शहर की सुंदरता बनाए रखें। आजकल त्योहारों का सीजन है और बिलासपुर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर परिषद की टीम ने तहसीलदार जयगोपाल के नेतृत्व में पुलिस दल सहित दुकानदारों का सामान सड़क से हटाया। सड़क पर पड़ा सामान दुकानदारों ने इधर उधर बिखेर रखा था, जिसे तहसीलदार ने तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए, क्योंकि आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है तो बाजारों में काफी रौनक है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानदारी के लिए सामान सड़क पर भी लगा देते हैं। उसे उठाने के लिए तहसीलदार जयगोपाल ने सख्त निर्देश जारी किए और पुलिस बल सहित सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे इस त्योहार के सीजन में सड़क पर सामान न लगाएं और शहर की सुंदरता बनाए रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी उपायुक्त महोदय और अपने उपमंडल अधिकारी नागरिक के आदेशों के अनुसार हम लोग सभी यहाँ पे आए थे। कमेटी वाले मेरे साथ हैं, पुलिस के लोग मेरे साथ हैं, जो भी ये बस स्टैंड 11 से लेकर के हौजा रोड तक जो ये अतिक्रमण कर रखा है, लोगों ने अपनी दुकानें छज्जे आगे बढ़ा रखे हैं, सामान सड़क तक बिछा के रखा हुआ है, अपनी स्कूटरियाँ अपनी स्कूटियाँ और अपनी गाड़ियाँ जो ये लगा के रखा हुआ सड़क रोक रखी है, ये हमने आज काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि अगर एक आदमी ऐसा करेगा तो सभी ऐसी भीड़ चाल करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर शहर है, इसकी सुंदरता पर दाग लगता है। इससे मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी जो ये आज की हमारी कार्रवाई हुई इससे कुछ प्रेरणा लेकर के बाकी सभी नगरवासी अब कल से ये इस सड़क को बिल्कुल साफ रखेंगे और इसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। थैंक यू।